आरएएस मेंस यानी राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस की परीक्षा जो मुख्य परीक्षा है उसको मांग आगे पोस्टपोन कराने की मांग को लेकर लगातार जो मामला है मसला है वो तूर पकड़ा जा रहा है। स्टूडेंट्स जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल फिलहाल मैं खड़ा हूँ ओटीएस में जहाँ पर जनता दरबार लगा है मुख्यमंत्री सीएम भजनलाल शर्मा का और तमाम जो ये छात्र हैं अभ्यर्थी हैं वो ज्ञापन दे के आए हैं आरएएस मेंस की एग्ज़ाम को आगे करने के लिए पोस्टपोन करवाने के लिए। देख सकते हैं ये नारे लिखे जो जो इनका समस्या है उनके वो लिखे कागज़ पर लिखकर वो देके आए और बाकायदा प्रदर्शन कर रहे हैं हमारे साथ तमाम जो स्टूडेंट्स हैं हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैडम सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा क्या पूरा मामला है लगातार तूल पकड़ा जा रहा आपका मामला आरएएस मेंस को आगे करवाने के लिए। सर सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगी कि आरएएस प्रीलिम्स की जब हमारी डेट आई थी जुलाई में डेट के बाद हमारे सामने ना मेंस की कोई डेट नहीं थी। तो जनरली स्टूडेंट जो प्रिपरेशन करते हैं वो पुराने पैटर्न के हिसाब से करते हैं और अगर पुराने पैटर्न को देखा जाए तो मेंस में जो समय मिलता है 10 महीने का 7 महीने का 6 महीने का और अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूँ तो लास्ट ईयर जो समय मिला था मेंस में वो मिला था 5 महीने का। अगर हमारी बात की जाए तो हमें मिला है मात्र 3 महीने का समय। सर आप एक चीज़ बताइए 30+ हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो भी डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट हैं हमें वो लिखने हैं तो वो पढ़ने के लिए वो हमें अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे उनका रिविज़न करना पड़ेगा तो कम से कम हमें 3 महीने और आगे का समय दिया जाए क्योंकि 3 महीने जो हैं हमारे लिए बहुत कम पड़ रहे हैं क्योंकि पहले से किसी भी ये अगर ये बार बार ऐसे बोल रहे हैं कि हम यूपीएससी के पैटर्न पे चले सर यूपीएससी का एक फिक्स पैटर्न है उनकी प्रीलिम्स की डेट फिक्स होती है उनकी मेंस की डेट फिक्स होती है उनका 1.5 साल पहले कैलेंडर आ जाता है लेकिन हमारे यहाँ की बात की जाए तो हमारे यहाँ जुलाई में कैलेंडर आया डेट डिक्लेयर की गई प्रीलिम्स की और प्रीलिम्स होने के बाद जब रिजल्ट आया तो फिर डेट निकाल दी गई 3 महीने बाद कि आपका मेंस है। सर आप एक चीज़ बताइए 30+ सब्जेक्ट हम 3 महीने में कैसे पूरा कर लेंगे हम पढ़ सकते हैं और अगर हम पढ़ के दे भी देंगे तो सर हम क्या उन लोगों से कम्पीट कर पाएंगे जो रिपीटर्स हैं। ये तो फिर वही हो गया ना कि रिपीटर्स के लिए अच्छा समय है हमारे लिए नहीं है सर। तो अगर हमें पहले ही मौका मिलने से पहले ही अगर हमें वो कर ध्वस्त करना है तो पहले ही हटा दो हम पहले ही हट जाते हैं। कम से कम एक जो जायज़ समय चलता हुआ आ रहा है ना पिछले कुछ पैटर्न से उसको जायज़ समय को तो रखिए ताकि हम अच्छे से एग्ज़ाम दे पाए। और वैसे भी हमारे समाज में बेटियां सशक्त की बात की जाती है सर सबसे पहले ये जितनी भी महिलाएं मेरे साथ खड़ी हुई हैं ये सबसे पहले अपने परिवार से लड़ के आई हैं समाज से लड़ कर के आई है और अगर इन्हें मौका ही समय से नहीं मिलेगा तो आगे मेरे को जहां तक लगता है इनमें से ये जितनी भी लड़कियाँ हैं मेरे हिसाब से एक लड़की को भी अगली बार मौका नहीं मिल पाएगा क्योंकि अगली बार तक पता नहीं घर वाले परमिशन दें या ना दें फैमिली ससुराल वाले सपोर्ट करें ना करें। तो कम से कम अगर अब की बार हमने अच्छे मार्क्स से प्रीलिम्स क्वालिफाई किया तो सर हमें मेंस में अच्छे से करने तो दो हमारे वो जो रिप्रेजेंटेशन वो अच्छी तो होनी चाहिए हम अच्छे से अपना व्यक्तित्व दिखा तो पाएँ। हमारे पास 3 महीने दे करके बस एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि हमने प्रीलिम्स तो क्वालिफाई कर लिया है लेकिन मेंस के लिए हम उतने अच्छे तरीके से तैयार नहीं है। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगी हमारी बहुत ही संवेदनशील सरकार है महिलाओं की बातें सुनती है सर हमारे कोई राजनीतिक मुद्दे नहीं है हमारा सिंपल सा एक वो है कि मेंस को कंसीडर करते हुए ये आरपीएससी के विद्यार्थी हैं मेंस को कंसीडर करते हुए हमें समय दिया जाए हमारी समय की मांग है। हम चाह रहे हैं कि हमारा पेपर हो लेकिन थोड़े समय के बाद हो तो हमारी 3 महीने की मांग है। तो मैं सभी से कहना चाहूँगी आरपीएससी से भी कहूँगी कि हमारी बात को कंसीडर करें। मैं सीएम साहब से भी कहना चाहूँगी कि सर प्लीज़ जल्दी से जल्दी इस बात का संज्ञान लें क्योंकि ज़्यादातर विद्यार्थी 18,000 विद्यार्थी जो हैं वो मेंटल ट्रोमा से गुजर रहे हैं। इस बात में जितना जल्दी फैसला आएगा उतना ही जल्दी हमारे लिए ये सही रहेगा क्योंकि जिस हिसाब से आज हमारी बातें हुई हैं उससे हमें लग भी रहा है कि सर हमारे जो सीएम साहब है वो हमारे हित में फैसला लेंगे। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगी कि प्लीज़ जल्दी से जल्दी हमारे पक्ष में फैसला लीजिए सर। कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो समय पे जो तय समय है अभी उस पर परीक्षा करवाने की मांग कर रहे हैं। सर अगर बात की जाए तो 19,000 में से अगर 500 विद्यार्थी भी चाह रहे हैं तो ये रिपीटर्स हैं सर उनके पास जॉब है उन्हें रैंक सुधारनी उन्हें भी अपने छोटे भाई बहनों के लिए सोचना चाहिए। सर अगर वो रियल कंपटीशन चाहते हैं ना तो वो हमें भी मौका आने दें अगर उनकी हमसे अच्छी तैयारी है तो वो डेफिनेटली बहुत अच्छी रैंक ले लेंगे। अगर कोई 100 से नीचे रैंक में आना चाह रहा है तो वो 10 से ऊपर वाली रैंक में आएगा। हम लोगों को क्वालिफाई तो करने दो हम लोगों को आगे आकर के पूरे हमें रिप्रेजेंट करने का तो मौका दो
हमें पढ़ करके पूरा समय तो मिलना चाहिए। हम जिस मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं कि हमने 3 महीने में पढ़ा क्या है, क्या लिखेंगे, तो हम कंपटीशन उनसे नहीं कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं, हमारा उनसे कोई कंपटीशन नहीं है, उनका भी अपना एक जायज पक्ष है, लेकिन हमारा एक बड़े तबके का ये बहुत ही बड़ा धड़ा है जो कि 18,000 प्लस विद्यार्थी जो चाहते हैं कि सर हमें जेन्युइन तरीके से मिलना चाहिए समय, तो मैं उनकी मांग रख रही हूँ सर यहाँ पे। 3 महीने का समय और ज़्यादा मांग रहे हैं, कम से कम 3 महीने का समय दिया जाए। बदलाल शर्मा जो CM है, RPSC से मांग की है अभ्यर्थियों ने, और भी कुछ अभ्यर्थी हैं हमारे साथ, आपके पास आना चाहूँगा। मैडम, क्या पूरा मामला है, यहाँ पहुँचे हैं OTA CM साहब, क्या आश्वासन मिला, क्या बातचीत हुई अंदर? सर, हमने CM सर को पुरानी जो वैकेंसी थी जिनमें मेंस में टाइम मिला है ना, वो सब हमने नोट डाउन करके उनको दिखाया है। फिर हमने बताया कि सर हम ना बहुत दूर दूर से लड़कियाँ आई हैं, कोई तारानगर से आई है, कोई भिलवाड़ा से, रात में पूरी रात बच्चे को छोड़ के ट्रैवल करके मेंस की कैंडिडेट आई है। तो सर हमको भी मौका चाहिए, हमको ज़्यादा टाइम चाहिए जितना पहले वाले विद्यार्थियों को मेंस में मिला है, क्योंकि उस डेट को हमने रेफरेंस डेट के हिसाब से हमने प्रिपरेशन करी थी, उस डेट को एज ए रेफरेंस माना था कि इतना टाइम तो हमको मिलेगा। तो जो हमारी 6 महीने की स्ट्रेटेजी थी उसको हम 3 महीने में कैसे कन्वर्ट करें? सर हम गाड़ी में भी पढ़ते हुए आते हैं, रास्ते में जो बसेज में हम धक्के खा रहे हैं ना, उनमें भी हम पढ़ते हुए आते हैं। हमने CM सर को जेन्युइन हमारा मुद्दा रखा है, तो उन्होंने बोला कि कुछ विद्यार्थी है ना एग्ज़ाम को पोस्टपोन करवाने के ये एक सिस्टम चल गया, आप उनमें से तो नहीं हो? तो हमने कहा नहीं सर, हम उनमें से नहीं, हम आपके प्रदेश की बेटियाँ जो प्री क्लियर करके आई हैं, बहुत सीरियस कैंडिडेट हैं, हम 30+ सब्जेक्ट हैं सर, उनकी रणनीति इन 3 महीनों में नहीं बन सकती। रणनीति हमने बना रखी है हमारी 6 महीनों के हिसाब से, और उसमें हमने पहले से पढ़ रखा है, हमको सिर्फ रिवीजन के लिए टाइम चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं इस मैटर को ढंग से देखूंगा, और आप हमने कहा कि सर हमारी कोई सुनी नहीं जा रही, तो उन्होंने कहा कौन नहीं सुन रहा, मैं सुनूंगा आपकी बात। और फिर उन्होंने हमारी सारी बात सुनी, जो हमने जो उनको एप्लीकेशन दी वो उन्होंने जॉइंट सेक्रेटरी को दी है, और जो हमारी जो डिमांड्स थी ना एक साथ, और अब तक के जो RPSC का कैलेंडर था ना उसको भी हमने सर के सामने रखा है कि सर देखो 13 से सारी डेट्स हमने रखी हैं, कहीं 11 महीने, फिर 7 महीने, फिर 5 महीने, फिर वापस 11 महीने, फिर 5 महीने, हमने सारी बातें उनको बताई है ढंग से, और उन्होंने हमको काफ़ी पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया है। आज हमको पहली बार लगा है कि किसी ने हमारी सुनी है, और वो भी हमारी सरकार ने हमारी सुनी है। और RPSC से भी मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि सर ये टाइम हमारे लिए बहुत कम है, आप हमको थोड़ा समय दो, क्योंकि जो रिपीटर्स हैं उनके लिए सही है, बट जो फ्रेशर्स हैं इस बार पहली बार मेंस दे रहे हैं उनके लिए, अगर उन्हें पूरा थ्रू आउट द 3 साल भी पढ़ा है तो रिवीजन का जो है ना वो बहुत कम है, क्योंकि हमने रेफरेंस टाइम जो पुरानी डेट्स है ना उनको लिया है। तो RPSC स्वतः संज्ञान से भी हमारा मैटर देखे सर, थैंक यू सर। बिल्कुल, RPSC से मांग की है, भजनलाल शर्मा CM है, उनके पास भी ये ज्ञापन दे के आए हैं, और भी कुछ अभ्यर्थी हैं उनसे बात करते हैं। मैडम, पूरा मामला है लगातार तूल पकड़ रहा है आगे करवाने के लिए, अभी CM साहब से मिल गए हैं, क्या अंदर बातचीत हुई, क्या लगा आपको कि आश्वासन क्या दिया गया? सर देखिए, आश्वासन पे तो मैं भरोसा नहीं करती हूँ, इतनी सारी हम लड़कियाँ आई हैं, अगर आश्वासन की बात करें, देखिए जब तक कोई जवाब अगर हमें लिखित रूप में नहीं मिल जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि हम जो कर रहे हैं उस मांग पर कोई पुख्ता कार्रवाई करी गई है। अब सर हम लोग इतने जेन्युइन लोग हैं, इवन मैं मेरी खुद की पर्सनल बात बताऊँ तो पेरेंट्स का शादी का एक प्रेशर है हम लोगों पर। पेरेंट्स कहते हैं कि तुम्हारी लगती है तो ठीक है, वरना तुम्हारे अकॉर्डिंग हमें कोई लड़का मिलेगा हम तुम्हारी शादी करेंगे। अब इस सरकार से हम ये उम्मीद करें, इवन हमारा तो ना तो परिवार रहा ना हमारी कोई सरकार रही, फिर क्या मतलब है इन लोगों को वोट देने का? भाई हम लोग वहाँ दूसरी गवर्नमेंट से वोट करके हम यहाँ आए मोदी जी की सरकार में, महिला नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, नारी शक्ति की बात करते हैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या है। जैसे महात्मा गांधी जी ने एक बड़ी प्यारी सी बात कही है कि मेरे पास 100 कारण हैं मरने के और कोई एक कारण नहीं है कि मैं किसी को मार दूं। और मुझे ये लग रहा है कि ये जो हम पे मानसिक प्रताड़ना चल रही है ये एक कारण ऐसा बन रहा है कि हम या तो मर जाएं। मैं अपना मतलब ऐसा कुछ नहीं है, कोई राजनीति वाला मुद्दा नहीं है, सिर्फ मेरी एक बात मैं ये कह रही हूँ कि मैं खुद इतना मेंटली प्रेशर फील कर रही हूँ कि मुझे लग रहा है कि 26 दिन में तो कुछ होने वाला नहीं है। और पेरेंट्स का दूसरा प्रेशर चल रहा है हमारे ऊपर विवाह का, तो मैं ये चाह रही हूँ कि सबसे जो महात्मा गांधी वाली जो सटीक वाक्य जो बैठ रहा है कि 100 कारण है मेरे पास मरने का, तो 101 कारण जो है वो ये सरकार दे रही है हमें। तो मैं दिल से चाहूँगी कि बात सुने हमारी CM साहब और हमें 3 महीने का कम से कम समय दिया जाए। अभ्यर्थी है लगातार जो 3 महीने का समय मांग रहे हैं, एक महिला अभ्यर्थी दोबारा हमसे जुड़ चुकी है, वापस कुछ कहना चाहती हैं, हम बात कर लेते हैं। जी मैडम, बताएं।
सर मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जो भी और बाकी कैंडिडेट है या बेरोजगार युवा है, प्लीज़ हमारे इस मुद्दे को पॉलिटिकल मुद्दा ना बनाएं। हम सिर्फ अपना समय मांग रहे हैं, हम नौकरी नहीं मांग रहे। कुछ लोग हमारे मुद्दे पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, सीएम सर के साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए, किसी नेता के साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए। हम वो नहीं है, हम जेन्युइन जो प्री क्लियर करके आए हुए स्टूडेंट हैं। तो हमारे ये मुद्दा है, इसको राजनीतिक मुद्दा ना बनाएं प्लीज़, सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़। हम प्री क्लियर करके, मेहनत से प्री क्लियर करके आए, हमने तीन जो हमारी 6 महीने की स्ट्रेटेजी है उसके लिए टाइम मांग रहे हैं गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट रेडी है। पर आप बार बार जाके सीएम के साथ फ़ोटो खिंचवाने के चक्कर में हमारा मुद्दा हाईलाइट ना करें। थैंक यू सो मच। मैडम आपके पास आना चाहूँगा कि सीएम ने ये कहा है कि गिरोह है कोई जो आगे सरकार है या आगे करवाने की बात कर रहा है लगातार, क्या लगता है आपको गिरोह के बारे में? सर मैं तो ये कह रही हूँ कि हमारा मुद्दा है सिर्फ एग्ज़ाम आगे करवाने का, क्योंकि हमें कम टाइम दिया गया। हमने देखा है कि पीछे 5 महीने 6 महीने 11 महीने मिले हैं, तो हम सोच रहे हैं कि कम से कम 5 महीने तो मिले हमें। क्योंकि मैं तारानगर से चल के आई हूँ, तो आपको नहीं लगता कि वापस मेरे को आने देंगे? मैं मैरिड हूँ, मैं बच्चे छोड़ के घर से आई हूँ, और फिर तैयारी के लिए बार बार टाइम नहीं मिलेगा। क्योंकि मेरे को लग रहा है कि मेरा ये लास्ट चांस है, तो मैं चाह रही हूँ कि हम्बल रिक्वेस्ट है कि कम से कम 3 महीने तो और दिया जाए। लास्ट चांस कैसे मान रही है अपने आप को? आपने लिख भी रखा, स्लोगन भी लिख रखा है कि लड़कियों के लिए आखिरी मौका है। सर आपको पता है एक मैरिड वुमन क्या कर सकती है, घर को छोड़ती है तो उन्हें सास ससुर से सबसे कन्वेंस करना पड़ता है कि मैं पढ़ने जा रही हूँ। ठीक है, मैं उनकी उम्मीद हूँ, तो मैं नहीं चाह रही कि मैं आगे से मेरे को पता है कि टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर खुद की फैमिली भी तो होती है, 2 बच्चे हैं मेरे, उनको छोड़ के आई हूँ मैं। ठीक है, एक फैमिली को मैनेज करना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, मैं ऐसे देती जाऊंगी फिर उम्र तो इसमें ही निकल जाएगी। मेरा ये लास्ट चांस है, मेरा ये मानना है। तो रिक्वेस्ट है आरपीएससी और सरकार से कि 3 महीने तो कम से कम और दिया जाए। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से ये अभ्यर्थी यहाँ पहुँचे हैं, सीएम लाल जो शर्मा है, भजन लाल शर्मा सीएम, उनसे बात रिक्वेस्ट की है उन्होंने, हम्बल रिक्वेस्ट की है कि आरएसएमएस की एग्ज़ाम है जो है उसको आगे करवाया जाए, 3 महीने का समय और दिया जाए। एक महिला व्यक्ति, मैडम कहाँ से आए हैं आप? सर मैं नवलगढ़ से आई हूँ, और नवलगढ़ में हमारे इस बार बीजेपी की ही गवर्नमेंट आई है, और हम बहुत उम्मीदों से आए थे, और खैर हमें ऐसा लगता है कि हमारी उम्मीदों पे सर काम भी करेंगे, और उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस भी दिए हैं। बट हमें एक चीज़ जो बुरी लगी वो ये कि शायद हमें किसी गिरोह से जोड़ा जा रहा है जो पेपर पोस्टपोन करवाते हैं। ऐसा नहीं है सर, हम बहुत ही जेन्यून कैंडिडेट्स हैं, एंड हम बस इसीलिए टाइम चाह रहे हैं क्योंकि हम लोग सब फर्स्ट टाइमर्स हैं सर। हमने पहली बार आरपीएससी के सिलेबस को देखा है, प्री के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत से इतने बड़े एग्जाम को क्लियर करा है हमने प्री। तो अब बस हम एक ही चीज़ चाह रहे हैं कि आप बस हमें थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड कर दीजिए हमारा, ताकि हम इस चीज़ को और आगे ले जा सकें। क्योंकि अभी जिस फेज से हम निकल रहे हैं वो हमारे लिए बहुत ही मेंटल ट्रोमा का स्टेज बन चुका है, क्योंकि आए दिन ये हो रहा है कि इतना बड़ा सिलेबस है, हम कवर नहीं हो पा रहा है, तो हम इसको कैसे कंटिन्यू करेंगे, राइट? तो प्लीज़ हम आरपीएससी से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारी चीज़ों को सुनी जाए, और गवर्नमेंट से तो ऑब्वियसली हम उम्मीद ही करते हैं कि वो जल्द से जल्द हमारी बातों को सुन लेंगे। बिल्कुल, जो अभ्यर्थी हैं लगातार मांग कर रहे हैं, पिछले दिनों रिद्धि सिद्धि तक भी यहाँ पे एक धरना प्रदर्शन किया गया था, जुलूस निकाला गया था, मशाल जुलूस के माध्यम से सरकार को चेतावनी कोशिश की गई थी कि आरएस मेंस एग्ज़ाम जो है उसको आगे करवाया जाए, 3 महीने का समय और मांगा गया था। देखिए तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार हाथों में स्लोगन लिखे तख्तियाँ लेकर खड़े हैं, यहाँ पर सीएम भजनलाल शर्मा से अंदर मिल के आए हैं, जिन्होंने आज जो रविवार का दिन था उन्होंने आज जनता दरबार लगाया था, उसके चलते ये भी प्रदेश के विभिन्न अंचलों से यहाँ पे पहुँचे हैं। तो ये कहीं ना कहीं साफ है कि आरएस की मेंस जो एग्ज़ाम है उसको आगे करना ज़रूरी होगा, क्योंकि जो लगातार अभ्यर्थी हैं वो दावे कर रहे हैं कि उनके पास समय नहीं मिला। यूपीएससी की तर्ज पर बात की जा एग्ज़ाम कराने की बात की जाती है, लेकिन मैं बात करना चाहूँगा कुछ, मैडम आपके पास आना चाहूँगा, यूपीएससी की तर्ज पर बात करने की बात कही जा रही है, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहती हूँ आरपीएससी से कि जैसे यूपीएससी एक साल पहले पूरा कैलेंडर जारी कर देती है, तो उस हिसाब से हमें कैलेंडर जारी करो, ताकि हमें पहले से पता चल सके कि मेंस के लिए हमें कितना टाइम मिलेगा, और उस हिसाब से हम अपनी स्ट्रेटेजी बनाकर तैयारी कर सके। तो ये जो आप प्री का रिजल्ट आने के बाद में आप मेंस की डेट दे रहे हो, तो इतने से टाइम में मेंस की तैयारी नहीं होती है। तो बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी मांगों को सुना जाए और हमें मेंस के लिए और टाइम दिया जाए। सर 2.5 साल में आरपीएससी से आरएएस की वैकेंसी आती है, यूपीएससी की हर साल आती है, तो 2.5 साल में एक बार एक चांस मिलता है, उसके अंदर भी अगर सिर्फ 3 मंथ्स प्रिपरेशन को मिलते हैं तो वो मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं है, मतलब बहुत कम है। तो अगर 2.5 साल में वैकेंसी फिर से हम अगर प्री पास करके आए, हमें बहुत वेट करना पड़ेगा अगर हमें फिर से अभी समय नहीं दिया गया तो।
और यूपीएससी का अगर आप देखेंगे तो हर साल, अगर इस बार मान लो हमें कम लग रहा है समय या फिर हमारा नहीं होता है तो हम अगले साल फिर से दे सकते हैं, लेकिन आरपीएससी और आरएएस के अंदर ऐसा नहीं है क्योंकि 2.5-3 साल बाद वैकेंसी आती है, तो 3 महीने बहुत ही कम दिए गए हैं, तो 3 महीने और ज़्यादा अगर मिलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सर, हम प्रत्यक्ष रूप से आज सीएम साहब से कम तीसरी बार मिले और अप्रत्यक्ष रूप से भी हमसे जितना प्रयास हो पा रहा है हम कर रहे हैं, और आप सरकार के चौथे स्तंभ मीडिया के माध्यम से मैं बस इतना सा कहना चाहूँगा कि हमको तैयारी के लिए समय दिया जाए, हमारी बहुत जेन्युइन मांग है। हमको डायरेक्ट नौकरी तो मांग नहीं रहे कि हमको डायरेक्ट बिठा के आरपीसी में बिठा, तो हमको केवल तैयारी के लिए समय चाहिए, इसके अलावा हमारी और कोई मांग नहीं। ना हम कोई आरपीएससी पर छिटा किसी कर रहे हैं, ना किसी सरकार की कमियाँ अच्छाइयाँ बता रहे हैं, हमको केवल जो चीज़ है वो हमको समय चाहिए, और जिससे हमारी कम से कम हम प्रशासन में हमारी जो हम आना चाहते हैं उसके लिए हम को समय तो दें। हम पढ़े तो सही उतना सा, हम तो प्रेशर से साहब, हम तो पीछे वालों की, हम तो ऑलरेडी बाहर हैं लाइन से। ठीक है सर, एक सवाल आपसे ये है कि लगातार जो मांग है उसको बुलंद किया जा रहा है आरपीएससी आगे करवाने को लेकर, अगर आज भी आने वाले समय में आपकी मांग नहीं मानी गई तो क्या अभ्यर्थियों पर क्या असर पड़ेगा, क्या उनकी रणनीति रहेगी आगे? सर, बिल्कुल जेन्युइन तरीके से सब धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल पर बैठने के लिए तैयार है। आप देख रहे हैं आज भी कम से कम 300 की संख्या में हमारे पास छात्र हैं, और भी छात्र हैं जिनको एक बार कहते ही वो आने के लिए सारे तैयार है, पर हम ये चाह रहे हैं कि सर हमारी मांग केवल जेन्युइन तरीके से, क्योंकि राम राज्य की सरकार है, सुशासन की सरकार है और नई सरकार है, तो इनसे हम इतनी तो अपेक्षाएं रखते हैं कि हमारी बात जेन्युइन तरीके से सुने और इसका जल्द से जल्द निस्तारण करें। ये आरपीएससी अभ्यर्थी हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये आरएएस मेंस अभ्यर्थी हैं जो लगातार एग्जाम को आगे करवाने के लिए प्रयासरत हैं। धरने प्रदर्शन की बात कह दी है इन्होंने, चेतावनी दिखाना चाहूँगा। देखिए किस कदर से यहाँ पे जो खड़े हैं, ये केवल और केवल इसीलिए पहुँचे हैं प्रदेश के विभिन्न अंचलों से, विभिन्न क्षेत्रों से, कि हमारी एग्ज़ाम को लेकर जो भ्रांति है और जो समय कम दिया गया है इनको, तो समय कहीं ना कहीं इनको 3 महीने का और दिया जाए। सीएम भजनलाल शर्मा से ओटीएस में इन्होंने जनता दरबार में जाकर मुलाकात की है, बाकायदा ज्ञापन दिया है उन्होंने, और ये कहा है कि हमारी एग्ज़ाम जो है लगातार 3 महीने का समय और देते हुए आगे करवाई जाए। कैमरा पर्सन रमाकांत व्यास के साथ संदीप अग्रवाल, द एजुकेशन नगरी, जयपुर।